तकलीफ क्या होती थी, मेरा, थी? मैं खाना खाती थी तो मेरा पेट बहुत था। तो जब कई बार जाना पड़ता बार 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 थी थी। पहले आपके ये दोनों पैर मिले हुए नहीं रहते थे अच्छा जी। तो ये ना भी चेक करना जरूरी है ये मिले हुए नहीं रहते थे एक छोटा और एक बड़ा रहता था इस पैर को मोड़ो यहाँ रखना है अब इसको नीचे ले जाओ अब हमने देखा ये इतना नीचे जा रहा है

नंबर टू जीरो फोर जीरो टू वीडियो टू और नाम है आपका वंदना गोयल वंदना गोयल है ना हाँ और कहा से आई है विवेकानंदपुरी सराय रोहिला से हाँ जी क्या क्या तकलीफ थी और कैसे हो गई मेरी की ना आप बहुत ज्यादा अपसेट थी मेरे कई सालों से प्रॉब्लम थी इसकी मुझे बहुत रिलीफ है बहुत ज्यादा रिलीफ है मैंने कई मेडिसिन थी। भी खाई हाँ तो क्या क्या होम्योपैथिक मैं पेट खाना खाती थी तो मेरा पेट बहुत अपसेट था मुझे कई बार जाना पड़ता है मैं दिन में बार जाती थी पेट बार जाती थी पंद्रह बार जाती थी हाँ जी अरे अच्छा और बॉडी में बहुत वीकनेस थी मेरा हीमोग्लोबिन भी छे और कितने दिनों से आपको पंद्रह बार जा रही थी दो तीन साल से जा रही थी। दो तीन साल से जा रही थी तो हिमोग्लोबिन भी डाउन हो गया हिमोग्लोबिन मेरा छह हो गया था छह हो गया था हाँ जी ये तो बहुत खतरनाक वाला छह है और क्या था अब मेरा हिमोग्लोबिन साढ़े बारह है और तो पेट भी सेट है मेरा अब मुझे भूख भी लग रही है मैं खा भी अच्छे से रही हूँ और काम में भी फूर्ती है मेरे सारा बढ़िया हो गया। सारा नाभी नाभी हो गया एकदम सेट गई है ना हाँ जी चलो अब इनका मिले हुए नहीं, अच्छा तो हाँ नहीं रहते थे एक छोटा और एक बड़ा रहता था हमेशा से और अब ये दोनों पैर बराबर हो गए थोड़ा सा ये और रह गया इसको भी सेट कर देते है आपके तो ये तो जोड़ों में दर्द आ गया होगा आपको नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था इतना तो नहीं था केवल पेट पेट का ही मामला हाँ जी, पेट का ही ही मामला था जी बस तो पहले देखो अब ये पहले बहुत गड़बड़ थे अब ये एकदम सही हो गए बांध रखी थी चलो अच्छी बात है बांधे रखना है <laughs> ना और अब ऐसे भी चेक कर लेते हैं नाभि को फाइनल क्योंकि आज ठीक करके ही तो परफेक्ट जा रही आ जा, हाँ है ना तो फाइनल टेस्टिंग कर देते हैं इनके ना इस पैर को मोड़ो यहाँ रखना इस इसको ऐसे हाँ अब इसको नीचे ले जाओ अब हमने देखा ये इतना नीचे जा रहा है इससे भी पता चलता है इतना नीचे जा रहा है चलो ये पैर सीधा करो अब इसको मोड़ के इस पर रखो वेरी गुड ये देखिए बिल्कुल सही है ये ये इतना ही जा रहा है इसका मतलब है इस जगह से नाप इनका एकदम परफेक्ट है, है ना ये भी हमने ऐसे देख लिया है ना तो पैर भी देख लिए यहां से भी नाभि को चेक कर लिया और अब यहां से हाथों को भी आप करवट लेके बैठो अब ये भी परफेक्ट अलाइनमेंट पे आ गया वैसे बहुत बार ऐसा होता है हाथों का अलाइनमेंट ठीक नहीं होता बाकी अलाइनमेंट ठीक हो जाते हैं हाथों का अलाइनमेंट बहुत बार ठीक नहीं होता आ, ना भी गड़बड़ी का भी ठीक है लेकिन तो भी यहां कभी कभी किसी का ऐसा होता है तो क्या करते हैं यहां एंड से देखा और एंड देखा मैंने अगर हमने ये देखा शुरुआत वाला ऐसे मिलाया और ये देखा अगर ये ये और ये दोनों मिले हुए हैं बस ये ना भी मिले हों तो भी चलेगा ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, अच्छी है। हाँ। क्योंकि हमारे एक ही बात जाती है कोई व्यक्ति भी ट्रीटमेंट दे रहा है ना हाँ जी तो भी पेशेंट की संतुष्टि हमारा पहला काम है हो सकता है पहले दिन दो दिन तीन दिन रिजल्ट ना आए लेकिन पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए क्योंकि मेरे साथ जो ट्रीटमेंट किया

तो आप कितनी भी दवाइयां खा लो कोई फर्क पड़ने वाले नहीं चाहे आप देसी खा लो चाहे अंग्रेजी खा लो चाहे कुछ भी खा लो नाभि अगर ठीक नहीं है तो अब आपको दवाई काम नहीं करेगी इसलिए नाभि को जानना और नाभि को ठीक करना ये बहुत जरूरी है और न्यूरोथेरेपी क्योंकि नाभि पर ही काम करती है नाभि पहले चेक तो करो आपको पता तो चले कि नाभि आपकी गड़बड़ है कि नहीं है लोग चेक ही नहीं करते चल रहा है भैया लूज मोशन चल रहा है गैस चल रही है एसिडिटी चल रही है चेक नहीं करते तो चेक तो करो तभी तो पता चलेगा तो इधर उधर भटक जाते हैं दवाई चले जाएंगे थोड़ा लूज में मशन फटाक से खा लेंगे दवाइयां तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं चूरन चटनी खा लेते हैं ना नॉर्मली ऐसा रहता है तो पहले चेक करो चेक करने के बाद ठीक से अपने आस पड़ोस में हो वहां पहले नाभी ठीक करा लो कोई ठीक करने वाले आज तो जगह जगह नाभी ठीक करने वाले होते हैं बात ना बने तो फिर आरोग्य पीठा जाओ ज्यादा लटकाओ मत लटकाओगे तो तकलीफ आएगी तो देरी न करके आरोग्य पीठा करके और अपना इलाज कराओ है ना क्या कहोगे लोगों को आप मैं कहूंगी आप आरोग्य पीठ में आइए आपको बहुत रिव्यू मिलेगा और बहुत आराम मिलेगा आपको बहुत जल्दी रिकवरी होगी इस यहाँ पे आने से थैंक यू सो so मच कंधा दर्द गर्दन दर्द कमर दर्द गैस एसिडिटी माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है बीमारी की कोई उम्र नहीं है आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका वेलनेस न्यूरोथेरेपी तो देर किस बात की अभी फोन उठाओ कॉल करो और अपने रोगों से अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ